हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। सो गाइस, ये ड्रेस हम इन दो कलर से बनाएंगे। एक हमने व्हाइट कलर लिया हुआ है, एक येलो कलर लिया हुआ है। ये देखिए, हमने 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है। तो चलिए अब हम ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, ये देखिए, हमने यहाँ पे चोली बना करके रेडी कर ली है। चोली बनाने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के और भी वीडियोज चेक कर सकते हैं जहाँ मैंने चोली बनाना बताया हुआ है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम चोली कैसे बनाएंगे। वैसे मैंने इस चोली में ऊपर से 16 चैन डाली हुई थी। इसके बाद हमने फर्स्ट रो में एक चैन में डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद दो चैन में सिंगल बनाया हुआ था, सॉरी सिंगल ने एक बार बनाया हुआ था, फिर तीसरी वाली चैन में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, फिर हमने सेकंड वाले रो में फर्स्ट चैन में हमने दो बार बनाया हुआ था डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन को स्किप किया हुआ था। 3 चैन स्किप करने के बाद में हमने स्किप नहीं किया हुआ था, 3 चैन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ था और फोर्थ चैन में हमने दो बार बनाया हुआ था। उसके बाद हमने थर्ड रो में फर्स्ट चैन में दो बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, इसके बाद हमने 1 2 3 चैन में एक एक बार बनाया हुआ था, फोर्थ चैन में दो बार बनाया हुआ था। इसके बाद में हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया से बुना हुआ, इसके बाद में हमने यहाँ पर देखिए ये लून को ज्वाइंट कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है। पहले यहाँ पे हम दो चैन बना लेंगे। दो चैन बनाने के बाद में अब ये देखिए, इस वाली चैन में हमारी एक सिंगल डबल क्रोशिया काउंट हो गई। अब हम नेक्स्ट वाली चैन में एक बार बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे और अब यहाँ पे हम दो चैन में हमने एक एक बार बनाया और जो तीसरी वाली चैन है इसमें हम दो बार बना रहे हैं डबल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारी डबल क्रोशिया 4 हो गई। 4 के बाद में अभी हम इसके अगली वाली चैन में एक बार बनाएंगे, फिर इसके अगली वाली चैन में एक बार बनाएंगे। तो ये टोटल हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाने के बाद में सेम इसी वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इस तरह से बन गया। ये देखिए किस तरह से हमें करना है। यहाँ तक हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। इसके बाद में हमें दो चैन बनानी है। दो चैन बनाने के बाद में अब सेम इसी चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और ये हमारा एक वी की शेप में आ गया है। अब इसके बाद में हम फिर से 1 2 और तीसरी वाली जो चैन है, तीसरी वाली चैन में हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तीसरी वाली चैन ये हमने दो बार बना लिया डबल क्रोशिया। अब फोर्थ चैन में एक बार बनाएंगे, फिफ्थ चैन में एक बार बनाएंगे, उसके बाद में जो सिक्स वाली चैन में 6 नंबर की चैन बनाएंगे हम, उसमें हम दो चैन बनाएंगे। इस तरह से दो चैन बनाने के बाद में फिर से हम सेम इसी वाली चैन में जो 6 नंबर वाली चैन बनाई है, डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा वी शेप में फिर से आ गया। हम फिर से 1 2 और तीसरी वाली चैन में हम दो बार बनाएंगे। ये देखिए, तीसरी वाली चेन में हमें दो बार बनाना है, फिर हम चौथी चेन में आएंगे। पांचवी चेन
ये पांचवी डबल क्रोशिया है। अब सिक्स नंबर की डबल क्रोशिया, और जो सिक्स नंबर वाली डबल क्रोशिया है उसमें हम वन टू चैन बनाएंगे। टू चैन बनाने के बाद में सेम इसी चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद फिर से हम वन टू थ्री, थ्री नंबर वाली चैन में हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब फोर फाइव, यहाँ पे हम इस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे चैन हमारी नहीं बची हुई है। और इसके बाद में हम यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाली चैन बनाई हुई थी उससे हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से। अब इसके बाद में हम यहाँ इसे ज्वाइंट कर लिया हमने। ज्वाइंट करने के बाद में हम यहाँ पे दो चैन बुन लेंगे। दो चैन बुनने के बाद में हम इसकी अगली वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगली वाली चैन में एक बार। जहाँ तक हमने ये वी शेप का बनाया हुआ था वहाँ तक हमारी जितनी भी चैन है उतनी सारी चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया। इसके बाद में ये देखिए हमने ऊपर इसके दो चैन बुनी हुई थी, तो इन दोनों ही चैन में हम एक ही बार बुनेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। और अब हम इसके आगे वाली चैन में आ जाएंगे यहाँ से। इसके बाद में हम फिर से जो हमने ये वी शेप का बनाया हुआ था यहाँ तक हम एक एक बार सारी चेन में बुन लेंगे डबल क्रोशिया। फिर देखिए हमने यहाँ तक इसे बुन लिया। अब इसके बाद में ये देखिए जो हमने वी शेप में बनाया हुआ था इसे ये आ गया। अब इसमें से हम इस तरह से बीच से निकाल करके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे। फिर से हमें उसी तरह से जहाँ तक हमने ये वी शेप का बुना हुआ था वहाँ तक बुन लेंगे हर एक चेन में एक बार। और फिर उसी तरह से इस तरह से यहाँ से निकाल करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा ही रो हम इस तरह से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये देखिए हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। तो हम इस तरह से ज्वाइंट करते हैं। आप ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं लेकिन तब आपको ऊन कट करना पड़ेगा और वाइट ऊन यहाँ पर ऐड कर जोड़ना पड़ेगा। तो हम अगर इसे इस तरफ से स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे ये देखिए इस साइड से हमने इसे ज्वाइन किया। अब ये जो येलो वाली ऊन है तो अंदर आ गई है और ये जो नीचे वाइट वाली ऊन है इसे भी हमने यहाँ पे जब येलो ऊन ज्वाइन किया था तब यहाँ से वाइट ऊन को कट नहीं किया हुआ था। तो यहीं से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है वाइट ऊन को, नहीं तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस इतना सा हमने खींचा हुआ है इसे। और अब हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे वाइट ऊन से। ये हमने दो चैन बना ली और अब हमें फिर से उसी तरह से बुनाई करनी है। तो ये हमारी एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया हो गई। हम इसके नेक्स्ट वाली चैन में एक बार बुनेंगे डबल क्रोशिया। ये दो हो गई और ये तीसरी वाली चैन, और तीसरी वाली चैन में हम दो बार बुनेंगे डबल क्रोशिया।
तीसरी वाली चेन में हम दो बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये दो बार बन गई। अब हम फोर्थ नंबर वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर फाइव फाइव और ये सिक्स नंबर वाली डबल क्रोशिया। सिक्स नंबर वाली डबल क्रोशिया में हमें फिर से वन टू चैन बुननी है। चैन बुनने के बाद में सेम इसी चैन में हमें फिर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये इस वी के नीचे ये वाला भी आ गया। अब मैं फिर से वन टू थ्री, तो थ्री नंबर वाली चेन में हमें दो बार बुनना है डबल क्रोशिया। ये हमने बुन लिया। अब फोर फाइव और सिक्स नंबर वाली चेन में हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे। वन टू दो चेन बनाएंगे और फिर से सेम इसी चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हम फिर से वन टू और थ्री नंबर वाली चेन में हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इसके बाद में फोर फाइव एंड सिक्स नंबर वाली चेन में हम फिर से उसी तरह से वन टू चैन बनाएंगे। टू चैन बनाने के बाद में अब सेम इसी चैन में हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी अपना ये पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ से लास्ट तक बना लिया। लास्ट में हमारा एक बार फिर से ये वी शेप में बन गया था। अब यहाँ से हम फिर से इसे स्लिप स्टिच लेके ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में एक दो दो चैन हमने बुन ली। अब इसके बाद में फिर से नेक्स्ट वाली चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चैन में जैसे हमने यहाँ पे ये वाला रो बुना हुआ था सेकेंड रो, वैसे ही हम यहाँ पे बुन रहे हैं। तो सारी चैन में हमें एक ही एक बार बुनना है। तो यहाँ पे बीच में हमारी सिक्स चैन थी, तो हम यहाँ पे सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके बाद में ये देखिए जो वी शेप में बना हुआ था, इसमें से हम एक ही बार बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया, बीच से निकाल के, हमें चैन से निकाल के नहीं बनानी है। अब हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने सेकंड रो बनाया हुआ था। अब फिर से इसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे और फिर से इसके बाद वाली चेन में। तो बीच की हमारी जितनी भी चेन है सब में हमें एक ही एक बार बनाना है। और जो ये हमारा वी शेप में बना हुआ है, ये देखिए लास्ट में हमने इसे बना लिया। और अब ये जो हमारा वी के शेप में बना हुआ है यहाँ पे, इसमें से हम पूरा इस तरह से निकाल करके बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इसे वाइट ऊन से जो सेकंड रो बनाया हुआ है, वाइट ऊन वाला सेकंड रो, यहाँ मैंने लास्ट तक इसे बना लिया है। लास्ट तक बनाने के बाद में अब हम फिर से यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद में अब हम फिर से येलो ऊन को लगाएंगे। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम जब ज्वाइन करेंगे इसे तो उल्टी साइड से ज्वाइन करेंगे। किस तरह से उनको हम अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से हम उनको डालें हुक को डालेंगे। और हुक को डाल करके जैसे हमने ऊपर येलो वाला बंद किया था, वैसे ही हम इसे वाइट वाले को भी यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में फिर से हम यहाँ पे येलो उनसे दो चैन बनाएंगे
ये हमने येलो ऊन से दो चैन बना ली। दो चैन बनाने के बाद में अब हम फिर से जैसे हमने यहाँ पे वाइट सॉरी येलो ऊन से पहला रो बनाया था और दूसरा रो बनाया हुआ था, वैसे ही हम फिर से यहाँ पे बना लेंगे और फिर से वाइट ऊन ऐड कर वाइट ऊन से हम यहाँ पे नीचे और बना लेंगे। आगे जितना आपको घेर पसंद है आप उतना बड़ा यहाँ पे घेर बना सकते हैं। ऐसे ही हमें दो दो रो बनाने, दो रो हमें येलो ऊन से बनाने और दो रो हमें वाइट ऊन से बनाने हैं। तो देखिए किस तरह से फर्स्ट रो जो हमारा बनेगा उसमें हम इस तरह से वी शेप में बनाएंगे और सेकंड रो हम नॉर्मल ही जैसे बुनते हैं डबल क्रोशे वैसे ही बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे आगे। और तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे टोटल दो रो हमने पहले येलो से बना लिए थे जो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ था, और वाइट जो कलर से बनाया हुआ था रो वो भी मैंने वीडियो में दिखाया था। इसके बाद मैंने 1 2 3 रो बनाए, मतलब दो येलो से दो वाइट से और एक लास्ट में मैंने येलो से बनाया हुआ। येलो से मैंने इसके बाद में फिर से नीचे नहीं बनाया हुआ है, येलो से सिर्फ मैंने लास्ट में एक बनाया हुआ, नहीं तो मेरा घेर बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने लास्ट में सिर्फ एक ही बनाया है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे, तो येलो ऊन के ऊपर हमें येलो ऊन से बनाना है और वाइट ऊन के ऊपर डिज़ाइन हमें वाइट ऊन से बनाना है। तो आइए देखते हैं हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो हमने वी शेप में बनाया हुआ था इसके जो पहली वाली चैन है हम यहाँ से पहले येलो ऊन को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे ऊन को ज्वाइंट कर लिया है जो हमने वी के शेप में बनाया हुआ था वहीं से। अब ऊन ज्वाइंट करने के बाद में हम इधर से एक चैन बनाएंगे, एक और चैन बना लेंगे। और अब इसके बाद में ये देखिए जो हमारी वी शेप में जो हमने बनाया हुआ था इसका जो पहला चैन है, पहले चैन से हम यहाँ पे 6 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हो गई, ये दो हो गई, तीन, चार, पांच और ये 6 बार हो गई। तो ये मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना ली। और अब इसके बाद में हम इधर आएंगे इस वाली चेन में जो दूसरी वाली ये हमारी डबल क्रोशिया है। तो ये देखिए ये जो हमारी दूसरी वाली डबल क्रोशिया जो हमने वी शेप में बनाया हुआ था अब हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमने इस वाली चेन में इधर से बनाया था और इधर वाली चेन में हम इधर से बनाएंगे। ये आप मेरे साथ ही साथ बनाएं ताकि आप आसानी से बना सकें। तो ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। टोटल हमने 6 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब ये देखिए ये कुछ इस शेप में आ गया है। यहाँ से एक बार तो हमारे यहाँ पे ज्वाइंट है, अब इसे भी हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाली चेन है हम यहाँ से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ये हमारा ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ पे देखिए अब ये दूसरा वाला वी शेप में जो हमने बनाया हुआ था तो यहाँ से हम हर एक चैन में एक एक बार सॉरी यहाँ पे बीच में दो चैन आ रही हैं तो दो चैन में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में अब ये देखिए फिर से हमारा ये वी शेप वाला आ गया। तो हम फिर से यहाँ पे देखिए इधर से डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे
यहाँ से लूप लिया और इधर से अंदर डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरा ऊन यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है, हम ऊन को पहले सही कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ से लूप लिया और इसके अंदर से जो वी का एक पैर है, हम वी के एक पैर से निकल कर यहाँ पे बनाएंगे दूसरी बार डबल क्रोशिया। ये हमारी तीन डबल क्रोशिया हो गई। और ये चार बार डबल क्रोशिया हो गई और ये पांच बार, छह। और अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे, सॉरी पलटेंगे नहीं, अब इस वाली जो ये वी का जो दूसरा वाला पैर है इसमें हम बनाएंगे। तो इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, पहले यहाँ से हमने लूप लिया और फिर से हमने यहाँ पे सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक हो गई, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। तो हमने छह बार डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए, फिर से ये उसी शेप में बन गया। और अब हम फिर से ये देखिए जो वी शेप में बनी हुई थी उसकी अगली वाली चेन है, यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये ज्वाइंट हो गया, ये देखिए ये फिर से इसी तरह से बन गया। और अब हम फिर से इसके बाद वाली जो दो चैन है उन दोनों चैन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो सिंगल क्रोशिया में किस तरह से बुनी, ये जो है चैन है पूरी, इस जो डबल क्रोशिया है उसी से निकाल करके बुननी है, हमें चैन में नहीं बुननी है। और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद वाली चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर इसके बाद वाली, इसके बाद जितनी भी चैन है हमें सब में सिंगल क्रोशिया ही बुननी है। अब जो हमने वी शेप में बनाया हुआ था इसके बाद वाली जो चैन है हम इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। और बुनने के बाद में अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे, हमें इसके बाद वाली जो हमने वी शेप में बनाया हुआ था इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं बुननी है, हमें सिर्फ इसके बाद वाली जो चैन है वहीं तक बुननी। अब हम फिर से इसी तरह से यहाँ पे सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बुनेंगे। जैसे हमने ये दो बनाए हुए वैसे ही हम बाकी पूरी ही ड्रेस में ऐसे ही बना लेंगे। सिक्स डबल क्रोशिया हमें इस साइड से बनानी है और सिक्स डबल क्रोशिया हमें इस साइड से लेकर के बनानी है। तो इसी तरह से हम ये वाला रो कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट रो में बताएंगे क्या करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे येलो ऊन से पूरे ही घेर में बना लिए हैं ये फ्लावर। और अब हम यहाँ से वाइट ऊन से बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे वाइट ऊन जोड़ लिया है। वाइट ऊन जोड़ने के बाद में अब ये देखिए, वाइट ऊन हमने जो यहाँ पे वी शेप में बनाया हुआ था उसके पहले वाली चेन में, ये देखिए यहाँ से ये कहाँ गया, ये गया, ये रहा। और इसके पहले वाली चेन में मैं इसे ज्वाइंट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे पहले, सॉरी एक चेन नहीं बनाएंगे, इस तरह से उनको यहाँ पे निकालेंगे, फंदा बनाएंगे। फंदा बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में अब हम फिर से उसी तरह से जो हमारे वी का एक पैर है उसमें से हम यहाँ से एक, दो, तीन, चार,
5 और 6, 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद में इधर से आए और ये देखिए इस वी का जो दूसरा पैर है अब हम इस दूसरे वाले पैर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 बार हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। 6 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद में अब ये देखिए जो इधर वाली ये चैन है जिस वी के पैर में हमने बनाया उस वाली चैन को हम छोड़ देंगे, उसके अगली वाली जो चैन है यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। इस फ्लावर को ज्वाइन करने के बाद में अब ये देखिए इसके बाद में 1, 2, 3 चैन है, तो तीनों ही चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, चैन में नहीं सॉरी जो हमने डबल क्रोशिया बनाई हुई थी उसमें से बनाएंगे हम इस तरह से। तो ये दूसरी चैन में बना ली, अब तीसरी वाली चैन में हम बनाएंगे और ये बना लिया। अब हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे, चैन बनाने के बाद में अब ये देखिए जो हमारा वी बना हुआ है वी शेप में अब इसमें हम फिर से 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 बार डबल क्रोशिया बन गया। हमने इसे इस तरह से पलटा और पलटने के बाद में ये देखिए इस वी का जो दूसरा वाला पैर है ये अब हम इसमें से इधर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद में अब हम फिर से यहाँ पे जो हमारी पहली ये जो वी का पैर है ये वाला चैन छोड़ देंगे। इस ये वाली अगली वाली चैन छोड़ने के बाद में ये जो यहाँ से ये बीच से चैन गई हुई है सेकंड और थर्ड वाली चैन के बीच में से वहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच लेके ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसके अगली वाली चैन में आएंगे यहाँ से इस चैन को छोड़ करके इस अगली वाली चैन में यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1, 2, 3 और ये जो चौथी वाली चैन है यहाँ पे भी बना लेंगे। अब एक चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद में अब फिर से ये देखिए वी आ गया वी के शेप वी और यहीं से हम फिर से उसी तरह से यहाँ पे 6 बार इधर 6 बार इधर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इतना करने के बाद में फ्रेंड्स हम चोली में यहाँ पे नेक पे एक एक बार यलोन ज्वाइंट करके डबल क्रोशिया से बॉर्डर बना देंगे और यहाँ स्लीव्स में भी बना लेंगे जैसे हम स्लीव्स बनाते हैं वैसे ही ऊन ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ से यलोन से बॉर्डर बना लेंगे और यहाँ से वाइट ऊन से सारे ही पूरे घेर में बनाने के बाद में फिर येलो फिर वाइट फिर येलो इसी तरह से हम सारे ही घेर में इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। उसके बाद कुछ डेकोरेट करेंगे, तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए गाइस हमने सारा ही बना करके कंप्लीट कर लिया है, सारे ही कलर में ये फ्लावर बना लिए हैं और मैंने ये स्लीव्स पे भी बॉर्डर बनाया हुआ है येलो कलर से। आप गले में भी ऐसे ही बॉर्डर बना सकते हैं लेकिन आपको अगर दूसरी तरह से बॉर्डर बनाना है तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे, एक चैन बनाने के बाद में अब हम सेम इसी चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेंगे इसके बाद में। ये देखिए जो हमारी दो ये
धागे दिख रहे हैं उनके, तो दो धागे में जो इस साइड धागा है उस धागे से हमें निकाल करके बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस साइड जो धागा है उसी से हमने निकाला ये और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली वाली चैन में। अब हम इसके अगली वाली चैन में आएंगे, यहाँ पे हमें दो बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद वाली चैन में हम फिर से इसी तरह से सिर्फ एक धागे से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगली वाली चैन में एक बार बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। अब इसके अगली वाली चैन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ही बना करके यहाँ तक बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे बॉर्डर भी बना लिया नेक पे। और अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम वाइट ऊन से चैन बना लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमने यहाँ पे चैन बुन ली है। अब हमें किस तरह से मेजरमेंट लेना है गोपाल जी के सर का, तो आप मान लीजिए गोपाल जी का सर है तो सर के यहाँ से हमने चैन बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ से पहले हम धागे को कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से नाप करके गोपाल जी के सर में देखेंगे, एक ही हमारा पूरा राउंड आ जाए और एक आधा जैसे कि यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक फिटा रहा है तो हमें इतनी लंबी चैन बुन के तैयार करनी है। मेरे गोपाल जी 5 नंबर के हैं तो मैंने उनके मेजरमेंट सर के अकॉर्डिंग मैंने ये चैन बुन करके यहाँ पे तैयार कर लिया। फिर से बता रहे हैं आपको किस तरह से मेजरमेंट लेना है। एक राउंड आपके गोपाल जी के सर में पूरा हो जाना चाहिए इस तरह से और एक आधा राउंड होना चाहिए इस तरह से। इतनी लंबी हमें चैन बना करके तैयार करनी है। अब इसके बाद में हम यहाँ से एक रो सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे सारी चैन में एक एक बार। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे वाइट ऊन से एक सिंगल क्रोशिया से रो बना करके कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमने येलो ऊन से डबल क्रोशिया बनाते हुए एक रो कंप्लीट किया। यहाँ से हमने येलो ऊन को ज्वाइन किया है और वाइट ऊन को कट नहीं किया है। अब हम यहाँ से थर्ड रो बनाएंगे येलो ऊन से। तो यहाँ पे पहले दो चैन बना लेंगे हम। दो चैन बनाने के बाद में अब यहाँ से देखिए इस तरह से लूप लेना है हमें और चैन में इस तरह से डाल के नहीं बनाना है। हमने जो ये डबल क्रोशिया बनाई हुई उसके अंदर से निकाल करके यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो ये एक हो गया। अब इसके अगली वाली डबल क्रोशिया में हम इस तरह से बनाएंगे दो। तो जितनी भी चैन है इसके बाद में हम सारी चैन में इसी तरह से निकाल करके डबल क्रोशिया एक एक बार बना लेंगे। उसके बाद में फिर से हम वाइट ऊन से ही यहाँ से वाइट ऊन लेकर के यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया से वाइट ऊन से रो बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है येलो ऊन से और वाइट ऊन से भी। इसके बाद में एक रो ऊपर। अब ये जो है जो निकला पार्ट है ये ऊपर की तरफ रहेगा इस तरह से। और ये देखिए गाइस हम मेजरमेंट कैसे लेंगे, गोपाल जी के सर में इस तरह से चैन को रखेंगे, एक पूरा हो जाना चाहिए और एक हाफ। यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट लेना है हमें। और अब हम इसे सिलेंगे। तो किस तरह से सिलना है, हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा क्योंकि गोपाल जी का सर आसानी से यहाँ पे चला जाए। अब ये देखिए यहाँ से हम इसे सिल देंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ से जो बचा हुआ है यहाँ पे सिल देंगे। तो इतना कर लेते हैं। हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। हम इस तरह से सिलाई नहीं करेंगे, हम इसे राउंड शेप में इस तरह से सिर को निकाल करके सिलाई करेंगे। तो पहले सिल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे इसे दोनों ही साइड से टक कर लिया। टक करने के बाद में आगे साइड से भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टक कर लिया है। और ये मैंने वाइट कलर में मोतियाँ हैं जो कि मैंने जो उभरा हुआ हिस्सा था येलो ऊन का वहाँ पे मैंने टक कर लिया चारों ही साइड पगड़ी के। और ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे ड्रेस में भी ब्लू कलर के मोती लगाए हुए हैं वाइट वाले फ्लावर के ऊपर और वाइट मोती लगाया हुआ है येलो वाले फ्लावर के ऊपर। अब हम इसे पहनाते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे ड्रेस को पहना लिया है। ये देखिए कितनी अच्छे से फिट आ गई है। और अब हम इनकी पगड़ी इन्हें लगा देंगे। तो ये देखिए गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।